वे अपने न्यायियों की भी नहीं मानते थे। आगे, हाँ आगे। वर्ण व्यभिचारिणी के समान पराये देवताओं के पीछे चलते, हाँ व्यभिचारिणी के समान पराये देवताओं के पीछे चलते हैं, और उन्हें दंडवत करते थे। हैं? और उन्हें क्या करते हैं? दंडवत। आपने देखा होगा वीडियो, सबसे प्यारा कौन है पापा, देखा ना वीडियो। व्यभिचारिणी के समान क्या करते हैं? देवताओं की उपासना करते, अपने मन के मनगढ़ंत बनाए हुए देवता। समझ में आया? फिर उनके पूर्वज, हाँ, जो ये हवा की आज्ञा मानते थे, हाँ, उनकी उस लीक को उन्होंने शीघ्र ही छोड़ दिया। हाँ, उनके पुरखाओं, पढ़िए, उनके पुरखाओं, उनके पूर्वज जो ये हवा की आज्ञाएं मानते थे, हाँ, उनकी उस लीक को उन्होंने शीघ्र ही छोड़ दिया। हाँ, उनकी लीक को, जो उनके पुरखाएं खुदावन के पीछे जो चलते थे, उस लीक को शीघ्र ही छोड़ दिया। शीघ्र ही, ऊपर पढ़ा हमने 10 वचन में कि उस जनरेशन के लोग जो हैं वो अपने पुरखाओं के साथ मिल गए, सो गए, मर गए, लेकिन जो अगली पीढ़ी आई वे प्रभु को ना जानती थी। उन्होंने बड़ी जल्दी ही खुदावन का मार्ग छोड़ दिया, बड़ी जल्दी ही छूट जाता। ये आप पढ़ना शुरू करेंगे ना, 2 दिन से ज़्यादा पढ़ नहीं पाएंगे इसको। आज आपने प्रणय किया, आपने फैसला किया, मैं जी शुरू करूँगा बाइबल पढ़ना, और मैंने शुरू किया इसको, ये पढ़ रहा हूँ, आज पढ़ा, कल भी पढ़ लिया, परसों भी पढ़ लिया, 4th दिन फिर क्या हो जाएगा? है बस यार, टाइम नहीं मिलता। बड़ी शीघ्र ये मार्ग हमारे सामने से छूट जाता है, बड़ी शीघ्र हम इससे भटक जाते हैं। प्रार्थना 2 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, लेकिन 3रे दिन छूट जाएगा, तो बड़ी शीघ्र हम छोड़ देते हैं इस मार्ग को। आगे, और उनके अनुसार ना किया। और ये आपको ऐसी संगति जो है वो बोरिंग भी लग सकती है, ऐसे बैठना, कलाम सीखना, इतनी देर तक बैठे हैं, बैठ नहीं पाते हैं, ये बोरिंग लग सकता है। लेकिन जिधर डिस्को के जैसे एक्टिविटीज़ की जाती हैं, यूथ मीटिंग होती है, यूथ्स को इकट्ठा करके उनको नचाया जाता है, कैंपिंग की जाती है, उनको घुमाया फिराया जाता है, वो बड़े अच्छे लगते हैं हमें। पिकनिक अच्छी लगती है कि चर्च पिकनिक, घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है, एंटरटेनमेंट पसंद करते हैं हम, लेकिन खुदावंद का कलाम सीखने के लिए हमारा मन नहीं होता है। ये इसीलिए ये लीक जो है ये बड़ी जल्दी छूट जाती है। इसको बनाए रखना, इसके अंदर चलते रहना, वो बहुत ज़रूरी। चलेंगे तो आशीष पाएंगे, उधर पहुँच होगी हमारी, नहीं करेंगे तो फिर भूल जाइए। आगे, जब यहोवा उनके लिए न्याय को ठहराता, तब तक वह उस न्याय के संग रहकर उसके जीवन भर उन्हें शत्रुओं के हाथ से छुड़ाता था। हाँ, उनके साथ रहकर वो न्याय जीवन भर उनको उनके शत्रुओं से क्या करता था? छुड़ाता था। फिर बुराई करके बीमार हो गए जी, पास्टर जी प्रार्थना करो, पास्टर प्रार्थना करता है प्रभु इन्हों छुड़ा, वो छूट जाते हैं, फिर बुराई करते हैं, फिर कोई ना कोई दुख, कोई मुसीबत, कोई परेशानी आ जाती, फिर पास्टर जी दुआ करो प्रभु इन्हों छुड़ा, फिर छूट जाते हैं। जीवन भर उनको बार बार क्या करता था? छुड़ाता था। हालेलुया, जीवन भर छुड़ाता था। ऐसे ही होता है ना। अभी उस दिन हम भोगपुर गए और मैं और भाई एलेक्स गए, तो कहते जी मैंने बाइबल 11 बार पढ़ी। आंटी, बुजुर्ग आंटी कहते, फोटो आपने देखे होंगे मैं ग्रुप में डाल, जिनके पैरों पर तेल लगाकर भाई एलेक्स प्रार्थना कर रहे थे, कहते मैंने 11 बार पूरा बाइबल पढ़ा और जीवन दुष्ट आत्मा से ग्रस्त था। ब्लेड लेते हैं ऐसे अपने पैर को खुरचते हैं ब्लेड से, खून जब तक नहीं निकलता है। मैंने कहा ऐसा क्यों करते आप? कहते तब तक शांति नहीं मिलती मुझे जब तक मैं ऐसे ना कर लूं, ऐसा दुष्ट आत्मा ग्रस्त जीवन था। फिर वो जो बहन जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी, वो पहले तो सामने ही ना बैठे, पूरा टाइम किचन में ही रही, वो चाय बनाएगी, जूस ले आई, खाना बनाने चली गई। मैंने कहा आप इधर बैठो। फिर बैठी सामने, कहती मैं आपकी आंखों में देखकर, आपके चेहरे की तरफ देखकर आपसे बात नहीं कर सकती, कहती मैं आपके नज़दीक नहीं बैठ सकती, मुझे अंदर ही कुछ ना कुछ होता। और मैंने उनको बोला कि आप इधर बैठो, बिस्तर हमारे पास बैठो, तो वो पास बैठे, तो बैठ कर वर्शिप में फिर खेलने लग गए, दुष्ट आत्मा उनके जीवन से प्रकट हुआ। उन्होंने 3 बार पूरा बाइबल पढ़ा, 3 बार पूरा बाइबल पढ़ा, लेकिन जीवन क्या है? दुष्ट आत्मा ग्रस्त है। अब कईयों में तो जाहर हो जाता है, कईयों में जाहर भी नहीं होता, लेकिन होता दुष्ट आत्मा ही अंदर। समझ रहे हैं आप? पता कैसे चलेगा? है वो डिफरेंस है, ट्रक के साथ टक्कर हुई तो फिर पता कैसे चलेगा? कुछ तो अलग लगेगा ना उसमें। वैसे ही यीशु मसीह के साथ आपका जीवन जुड़ा है तो फर्क से मालूम पड़ेगा। समझ में आया? तो कईयों के अंदर दुष्ट आत्मा है जीवन, क्योंकि वही है आज भी, वही जीवन है, वही कुड़कुड़ है, वही म करना, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया,
मैं ऐसे हो जाता हूँ, मैं वैसे हो जाता हूँ, मेरे साथ ऐसे हो जाता है, मेरे साथ वैसे हो जाता है, कुड़कुड़ाते ही रहते हैं है नी। तो तीन बार पूरा बाइबल पढ़ा लेकिन दुष्ट आत्मा ग्रस्त जीवन। और उधर मैंने वचन ज़्यादा बताया नहीं, सिर्फ एक पैसेज पढ़ाया कि जब किसी व्यक्ति से दुष्ट आत्मा निकलता है तो सूखी बंजर जमीनों में जो है आराम ढूंढती है, फिर वो उन जीवनों को ढूंढती जो बंजर हैं, उनके जीवनों को पकड़ने के लिए जाती है जिनके जीवन बंजर हैं, जो सूखे हुए जीवन हैं उनको पकड़ती। अगर फिर उसको कोई नहीं मिलता तो फिर वो कहते हैं लौट आती है, और इसको जब खाली खाली देखती है तो अपने साथ सात आत्माओं को और लाती है और उससे भी बुरी, और कहते पिछली दशा जो है वो पहली दशा से और भी ज्यादा बुरी हो जाती है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एक है ना जो हमें छुड़ाने वाला, जिसको खुदावन ने ठहराया, जिसके पास हम पहुंच जाते, पास्टर जी दुआ करो प्रभु इन्हों छुड़ा। चलो जी फिर तुम दुष्ट आत्मा के बंडल दे बंडल ले लो अंदर, तो तुम पादरी को जाके कहो पास्टर जी पास्टर छुड़ा रहे, तुम भरते रहो दुष्ट आत्मा के नाम, आप जकड़ते रहे दुष्ट आत्माओं के साथ और पास्टर छुड़ाता रहे आपको। कभी छूटे हुए जीवन में भी तो चलो, कभी आजाद जीवन में भी तो चलो, कि बंधन में ही रहना है, पास्टर छुड़ाता रहे बस, पास्टर दुआ करिए प्रभु इन्हों छुड़ा। चलो जी फिर वही गुनाह वही पाप, फिर दुष्ट आत्माओं की जकड़न, फिर आगे पादरी के पास, पास्टर जी छुड़ाए प्रार्थना करें पास्टर, फिर प्रार्थना, जीवन भर न्यायी क्या करते रहे उनको, वो जीवन भर फंसते रहे, वो जीवन भर छुड़ाते रहे, ये सेवा है। देखो कभी पवित्रता ही में भी तो चलो, कभी आशीष का भी तो अनुभव करो, कभी कहना भी तो मानो, कभी सीधी चाल भी तो चलो, कि बस इसी काम पे रहना, हम दुष्ट आत्माएं से भरे जाएं और पास्टर जो है प्रार्थना कर करके हमें छुड़ाता रहे। क्या लिखा है यहाँ पर, पढ़िए दोबारा इसको। जब जब यहोवा उनके लिए न्यायी को ठहराता तब तब वह उस न्यायी के संग रहकर उसके जीवन भर उन्हें शत्रुओं के हाथ से छुड़ाता था। जीवन भर उनके शत्रुओं से उन्हें छुड़ाता रहा।